इंडिया के हवाले से एक इम्पोर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी। आज से या तकरीबन आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 10-11 जनवरी है और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। सो दे हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे आए हैं टू टेल टू द इंडियंस कि भाई इंडिया हैज चेंज्ड, एंड इन द सेम फैशन दे आर टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इंडिया इज चेंजिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन मतलब कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है, 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है, राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सके। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? इट ऑलरेडी हैज चेंज्ड इंडिया, बात ही नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई, ये कोई बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों? मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं हमें? 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने? कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया। देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to india। कर दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ईएफसी एडवाइज में। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। जी हां, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मूर्ति की स्थापना की जाएगी, लेकिन उससे पहले राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह पर सोने से जड़ित दरवाजे लगा दिए गए हैं। इसी की तरह अब 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे, इसके बाद सोने के बाद चांदी और हीरे जवाहरात से भी और मणियों से भी सुसज्जित किया जाएगा राम मंदिर को। राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान मीडिया के होश फाकते हो गए हैं, क्योंकि उनके पास खाने को आटा नहीं है और सोने से जड़ित भारत के मंदिरों को देखकर उनकी आंखें ललचाने लगी हैं। मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन मतलब कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है, कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें, तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदू बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए, दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड सेड, मच ऑफ दैट इज राइट फ्रेंकली स्पीकिंग, मैनी पीपल मे नॉट एग्री, बट दिस इज अ स्टोरी इफ यू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस माइंड सेट कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, यू कैन से के हाँ। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, दैट इंडिया इज चेंजिंग, एंड दैट इंडिया इज चेंजिंग इन द फेवर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी, दैट इंडिया इज चेंजिंग इन अ फेवर ऑफ द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो तो चीज इंडिया वाले तो बहुत इस चीज में तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे, वो इतना खुश है कि पूरे 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। लिए हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, इंडिया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही है भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही, मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो अब ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं ईमान रहा, उनका ईमान बिल्कुल खत्म हो गया। 140 करोड़ है, 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है, बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर से। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। कन्वर्जन ज्यादातर यहाँ पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट इज दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने, अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर दे प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकॉनमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्रिकेट क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया बट लिव स्टार्ट लिविंग विद दिस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।